मैंने देखा था रिजल्ट, तो लड़कियां ही ज्यादा मुझे दिख रही थी, तो मुझे ये भी लग रहा है मेहनत तो दोनों करते हैं इक्वली, लेकिन लड़कियां ही ज्यादा निकलती हैं इस बार। आपको लग रहा है कि मेरा भी यही मानना है कि लड़कियां भी निकलेंगी। तो वह शादी का प्रेशर, बहुत सारी लड़कियों को बहुत सारे प्रेशर लेके तब वो प्रिपरेशन करने आती हैं, बॉयज का तो ये है कि हाँ आयो कर लो, टॉपर भी जल्दी टॉप भी जल्दी कर जाते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं बहुत ही ज़्यादा मुखर्जी नगर के। दोस्तों आज हम एक गर्ल्स पीजी में हैं और रात का समय है, आज तारीख है 12 सितंबर 2023। इस रूम में दोनों स्टूडेंट जो हैं वो दृष्टि आईएएस की छात्रा हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये होता है क्या दृष्टि सच में बहुत अच्छा पढ़ाता है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होती है, वो भी पूछेंगे और थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नए स्टूडेंट हैं कई बार क्या होता है स्टूडेंट के मम्मी पापा में ये पूछते हैं कि हम अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं तो वहाँ की छात्राएँ रहती कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती है, इनसे ही पूछेंगे क्या दिक्कत होती है या नहीं। और जब अपना घर परिवार छोड़ करके ये लोग आते हैं तो किस तरीके से संघर्ष करते हैं, थोड़ा सा ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पे इस रूम में दो स्टूडेंट हैं, ये इनका शेयरिंग रूम है, एक ही रूम में दो स्टूडेंट रहते हैं, एक अभी इधर है और एक अभी यहाँ पे हैं, मैं इनसे ही बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है और आप कहाँ के हैं? ईशु तिवारी मेरा नाम है, मैं MP रीवा से हूँ। मुखर्जी नगर आप कब आए थे? मैं जून में आई हूँ, 5 जून को मैं आई। MP से आपको इतनी दूर क्यों आना पड़ा? एक्चुअली वहाँ पे कोचिंग नहीं थी और मुझे कोचिंग का सोर्स यहीं ज़्यादा मिल सकता था और मटेरियल वगैरह सारे यहाँ इजीली अवेलेबल था, इसलिए मुझे यहाँ। दृष्टि को आप दोनों लोगों ने ज्वाइन किया है, दृष्टि को आपने क्यों ज्वाइन किया, आपको ऐसे क्या लगा कि हमें दृष्टि को ही ज्वाइन करना चाहिए? दृष्टि के जितने भी स्टूडेंट्स निकले हैं पिछले 2-2.5 साल से, उनको देख करके एक तो मोटिवेट हुआ है अपने अंदर, और जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने के तरीके और सिलेबस और मटेरियल वगैरह जो वहाँ से भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए हमने दृष्टि ज्वाइन किया। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? हिंदी लिटरेचर। विकास की विकृति सर के ज़्यादातर स्टूडेंट यही लेते हैं? हाँ। उन्होंने बताया तभी आपने लिया है, पहले से ही माइंड में था कि मुझे यही लेना है? नहीं, पहले से मुझे ये कंफर्म था कि हिंदी पे मैं कुछ ज़्यादा कर सकती हूँ, सारे सब्जेक्ट तो इतने बेसिक मुझे आते नहीं थे, हिंदी पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा इसलिए। मम्मी पापा की याद आपको यहाँ से आती है क्योंकि आप काफ़ी दूर रहते हैं उनसे या नहीं? हाँ कभी कभी आती है। आपकी कितनी क्लास अभी वहाँ से लगभग कंप्लीट हो चुकी है दृष्टि से? वर्ल्ड हिस्ट्री तो मोस्टली 1.5 महीने में ख़त्म हो गया है, 32 क्लासेस हैं उसकी, और इंडियन ज्योग्राफी तो अभी चल रही है, 15 क्लासेस हैं उसकी। पढ़ाते कैसा है? बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं कि हाँ सारी टीम बहुत अच्छी है। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में इजीली आ जाते हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं और शॉर्ट जैसे GS को चाहिए होता है, GS में अपने को आंसर लिखना होता है ना, उस लेवल का ही पढ़ाते हैं। ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करके आए थे या फिर बाद में है? नहीं, ग्रेजुएशन ख़त्म करके एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीने बाद में आई हूँ। वहाँ से ही आपने ग्रेजुएशन किया है? हाँ वहीं से किया है। ठीक, वहाँ की आज आपको कई ज़्यादा लड़कियाँ देख रही होंगी, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या ज़रूरी है यहाँ पे आना या घर से भी पढ़ सकते हैं? नहीं, घर से भी पढ़ सकते हैं। एक टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं ग्रेजुएशन में थी कि मैं घर से पढ़ सकती हूँ, लेकिन जब मैं सिलेबस देखी, बुक्स देखा, टीचर्स के बेसिक चीज़ें देखी, मुझे खुद से समझ नहीं आया और टीचर्स का लगा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए मुझे फिर यहाँ आना पड़ा, वहाँ सोर्स के कारण नहीं मिल पा रहे थे। अच्छा, एक सवाल मेरा और आपसे है, इस PG में आप दो लोग रहते हैं, कभी आपस में लड़ाई भी करते हैं या नहीं? नहीं, थोड़ा बहुत बस ऐसे ही बहस हो जाती है सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए, फिर हम लोग नॉर्मल वैसे ही हो जाते हैं। मतलब होती है लड़ाई? होती है, बस 0-1% इतनी ही होती है। PG में जब आप रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो नए हैं उनको यही नहीं पता होता है PG होता है क्या है, क्या यहाँ पे आप लोगों को खाना मिलता है, क्या PG वाले लोग ये भी दावा करते हैं कि हम यहाँ पे फ्री वाईफाई वगैरह भी देते हैं, लाइव क्लास लेनी है या ऑनलाइन क्लास, तो क्या ये सच होता है या नहीं? नहीं, सही होता है एकदम। मैं आई थी तो मुझे ही नहीं पता था कि वाईफाई लगा है या नहीं लगा है, मेरे घर से फोन आया, पापा ने बोला कि वाईफाई देखो भैया ने लगवाया होगा, तो मैं चेक की, कुक भैया से पूछने गई तो उन्होंने बताया वाईफाई यहाँ फ्री है, अवेलेबल है। आप यहाँ से लाइव क्लास वगैरह ले लेते हैं? हाँ, मैं इसे लाइव ले लेता हूँ। एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है, यहाँ पे जो PG में खाना बनता है वो एक जैसा ही डेली बनता है या फिर चेंज भी होता है? बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है। नहीं, अब ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच तीनों चेंज होता है, मतलब डे बाई डे बनता है। ओके।
ये क्यों आपको लग रहा है इस बार भी लड़कियां टॉपर बन पाएंगी? 2 साल से UPSC और UPPCS में दोनों में तो लड़कियों ने ही बाजी मारी है, इस बार आपको लग रहा है कि फिर भी टॉप कर पाएंगी? रिजल्ट आपने देखा था या नहीं? मैंने देखा था रिजल्ट, तो लड़कियां ही ज्यादा मुझे दिख रही थी, तो मुझे ये भी लग रहा है मेहनत तो दोनों करते हैं इक्वली, लेकिन लड़कियां ही ज्यादा निकलती हैं इस बार। आपको लग रहा है कि मेरा भी यही मानना है कि लड़कियां भी निकलेंगी? कब आई थी मैं? अप्रैल 2022 में। तो आपकी तैयारी अभी कैसी चल रही है? हाँ, मैं 2024 का अटेम्प्ट देने वाली हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग तो अभी सही है। दोनों लोगों का वैकल्पिक विषय सेम सेम है या अलग अलग है? मेरा ऑप्शनल अलग है, मैं एक्चुअली ना जियोलॉजी में कर रही हूँ, भूगर्भ विज्ञान। तो आपको ऐसा लगता है उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे? एक्चुअली मेरा मास्टर्स में ना ज्योग्राफी रहा था, तो बैकग्राउंड है मेरा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं जियोलॉजी में अच्छा कर सकती हूँ, इसलिए मैंने वो किया। विकास देवी कीर्ति सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि UPSC के मोदी जी हैं, आपको कभी मोस्टली जहाँ हिंदी मीडियम के जितने भी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सब दिव्य कीर्ति सर की वजह से ही आते हैं। उन लोगों की वीडियोस देख के, मोस्टली बच्चे यूट्यूब पे उनकी वीडियोस वगैरह देख के, तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं एक, वो इसी वजह से भी आते हैं, और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को इंस्पिरेशन भी दिया, उनके बच्चे बहुत सारे सेलेक्टेड भी हैं, तो इस वजह से। आपको कभी मम्मी पापा की याद आती है ऐसे या नहीं? ऑब्वियसली इतनी दूर रह रहे हैं तो माँ पापा की याद तो आती है, पर हमें अपना गोल अचीव करना है तो। अभी आज आपकी तबीयत सही है या नहीं, क्योंकि पीछे दवाई भी रखी हुई है? अरे ये छोटी मोटी चीज़ें, आप दिल्ली का एनवायरनमेंट तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके का है, तो उसमें ये तो होता ही रहता है, तो वो वायरल फीवर चल रहा है ना, वो फ्लू वाली दिक्कत हो गई है मेरे को तो। और इसमें से आप कितनी किताबें अभी पढ़ चुके हैं दोनों लोग? मेरे एक्चुअली बस इकोनॉमी रह गया है और IR रह गया है, मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं मेरे, तो 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो बस अभी रिवीजन टाइम चल रहा है मेरा। कौन सा बैच था आपका दृष्टि में? मेरा F44 था। कंप्लीट हो गई क्लास पूरी? नहीं, अभी सिर्फ इकोनॉमिक्स की रहेगी और IR रह गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री की रह गया। आज आपने अभी खाना खाया है PG में या नहीं? हाँ, क्या बना था आपकी PG में? आज ट्यूजडे है तो आज खीर पूरी सब्जी ये सब बनता है। तो यहाँ पे जब आप लोग रहते हैं कितना रेंट पे करते हैं एक महीने का? हम लोग 8000 में रह रहे हैं, इसमें मैं 8000 में हूँ, और इसमें जिसमें वाईफाई वगैरह और RO का पानी वगैरह ये सब अवेलेबल रहता है, और क्या कहते हैं बिजली का बिल अलग से होता है। तो ये बताइए, जब आप यहाँ पे आए थे पहली बार, तो क्या आपने सोचा था कि हम लोग ऐसे यहाँ पे रहेंगे? क्योंकि गांव में क्या होता है, एकदम खुला होता है ना, आपको शुरुआत में बड़ी दिक्कत हुई होगी। नहीं, जब मैं एक्चुअली नहीं, मेरा सेकंड PG है, उससे पहले मैं पहले PG में रहती थी, वो इससे भी ज़्यादा कंजस्टेड था भैया, और वहाँ पे हम लोगों का रिएक्शन, मेरे फादर मदर आए थे साथ में, मेरे पेरेंट्स आए थे, तो उन लोगों का रिएक्शन ही ये था, इससे बड़ा तो हमारी किचन ही होती है, कैसे रहोगे क्या है, कोई नहीं, संघर्ष करना पड़ता है, करना यही पड़ता है लाइफ में दोस्तों। यही मैं कई बार कहता हूँ कि लड़के तो कहीं पे भी चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ में ये बड़ा चैलेंज होता है, इसलिए मैं इनके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ कि इतने छोटे छोटे में ये लोग रह करके कितनी भी गर्मी हो उसमें भी तैयारी कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको, हजारों लड़कियाँ देख रही होंगी, या घर पे रह के तैयारी करनी चाहिए या फिर यहाँ पे आना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर आके ही तैयारी प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन यही है कि बाहर आके हम सोर्सेज मिल जाते हैं, बाहर रहने का तरीका, सिर्फ IAS में सिर्फ पढ़ाई ही काम नहीं आती, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि रहने, लोगों से कैसे घुल मिल के रहना है। एक्चुअली मेरी तो घर से ही ज़्यादातर स्टडी हुई है, सारा एकेडमिक मेरा घर से ही हुआ है, तो मुझे तो बाहर आना ही था, तो बाहर आके बहुत सारे सोर्सेज भी होते हैं, बाहर जाके शायद बेटर है कि बाहर आके तैयारी। आपकी हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है? मेरे को एक्चुअली स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो इन सब में अभी ट्राई नहीं किया आपने उसमें? ट्राई नहीं किया कभी आपने उसमें? हाँ, स्कूल टाइम में था, स्कूल टाइम पे करती थी, स्कूल टाइम में था इन सब चीज़ों, फिजिकल एजुकेशन था मेरे पास स्कूल टाइम में, तो मैं ये स्पोर्ट्स में ही ज़्यादा इंटरेस्ट। आपने इस बार वाला UPSC का रिजल्ट देखा था और UPPCS का? हाँ, क्या लगता है आपको इस बार भी? ऑब्वियसली लड़कियाँ ही टॉप करेंगी, लड़कियाँ कर रही हैं, उनको एक्चुअली अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलने लग गई है, तो लड़कियाँ अब अच्छा कर रही हैं, अब वही बात है ना, लड़कियों को देखे तो देखो, मौका देखे तो देखो, लड़कों को हमेशा मिलता रहा है, तो रेशियो भी बढ़ेगा लड़कियों के टॉपर्स का। फैमिली में सबसे बड़ी हैं आप, छोटी हैं? नहीं नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनसे जानने की ये कोशिश की है कि वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, क्या कोई दिक्कत होती है या नहीं, क्योंकि मम्मी पापा कई बार हमें मेल करते हैं, नंबर तो नहीं है उनके पास में, तो मैं थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके का कुछ रूम होता है
और इनकी बहुत सारी किताबें होती हैं और बहुत सारा दबाव भी होता है, जो शादी वादी का भी आप लोगों के ऊपर दबाव होता है कि जल्दी घर आओ, शादी वगैरह करनी है। हम लोगों को एक्चुअली एक टाइमलाइन देके भेजा जाता है कि इस 3 सालों में कर लो तो कर लो, क्योंकि सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है पेरेंट्स के ऊपर, उन्हें तो सुनना ही पड़ता है। पेरेंट्स हमारा कितना भी कुछ कर रहे हैं लेकिन सोसाइटी उनको इतना कर देती है ना कि उन लोगों को भी लगता है कि तो वह शादी का प्रेशर, बहुत सारी लड़कियों को बहुत सारे प्रेशर लेके तब वो प्रिपरेशन करने आती हैं। बॉयज़ का तो ये है कि हाँ आयो कर लो, कोई नहीं, पूरा लड़की इस चक्कर में लड़कियाँ शायद टॉपर भी जल्दी टॉप भी जल्दी कर जाती हैं। हाँ ये भी बात सही है, और काफ़ी लड़की ये लोग अपने सपने के लिए आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई भी सवाल पूछना भूल गए हैं, अक्सर इस वीडियो को ज़्यादातर लड़कियाँ ही देखेंगी क्योंकि उनको ही ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि हम कुछ भी पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। बाकी का मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं कई टीचर्स के साथ भी, लाइब्रेरी पीजी में भी, और तो आप हमें बताना ज़रूर, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पूछेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।